एक दिन एक शहर में रविन नाम का एक लड़का अपनी माँ मीना के साथ रहता था। शांति नाम की एक लड़की भी उसी शहर में रहती थी। रविन और शांति दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रविन ने शांति से कहा, शांति, हम इसी तरह छुप छुप कर कितने दिनों तक मिलते रहेंगे? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुछ दिनों के बाद हमारी शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन शादी से पहले हम इस तरह से नहीं मिल सकते। फिर ठीक है, मैं तुमसे जितनी जल्दी हो सके शादी कर लूँगा। हाँ रविन, वरना मेरी शादी मेरे घर वाले किसी और से करवा देंगे। उन लोगों ने तो मेरे लिए लड़का ढूंढना भी शुरू कर दिया है। ठीक है शांति, मैं कुछ करता हूँ। कुछ दिनों के बाद रविन शांति के साथ भागकर एक मंदिर में शादी कर लेती है। फिर उधर से रविन शांति को अपने घर लेकर आया। शांति को देखकर रविन की माँ मीना ने कहा, बेटा रविन, तूने शादी कर ली, वो भी मुझे बताए बिना। माफ करना माँ, मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन उसके घर वाले किसी दूसरे लड़के से उसकी शादी करवा देने वाले थे और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली और आपको बता नहीं पाया। ठीक है, जब शादी कर ही लिया है फिर क्या करूँगी मैं? तुम्हारा नाम क्या है बहू? माँ, उसका नाम शांति है, शहर में रहती है वो। मैंने तुझसे पूछा क्या? तू क्यों बोल रहा है? नहीं, गलती हो गई माँ। ठीक है, मेरे बहू को बताने दे अब। मेरा नाम शांति है सासू माँ। अच्छा ठीक है, अब जाओ, तुम लोग फ्रेश होकर आओ। हाँ माँ, जाता हूँ। और इस तरह रविन और शांति दोनों खुशी खुशी संसार करने लगे। एक दिन शांति को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। तभी शांति रविन के पास जाकर बोला, रविन सुनो ना इधर। हाँ शांति, बोलो क्या बात है? रविन, तुम पापा बनने वाले हो। क्या सच में मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ जी हाँ, सच में अब पापा बनने वाले हैं। रुको, मैं माँ को एक खबर देकर आता हूँ। माँ, माँ। हाँ बोल, इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे माँ सुनो ना, एक खुशखबरी है। अच्छा ठीक है, बता फिर तेरी खुशी की खबर क्या है। माँ, मैं पापा बनने वाला हूँ और आप दादी। क्या, मैं दादी बनने वाली हूँ? मेरे घर में एक छोटा सा गोपाल आएगा, मुझे तो एक पोता ही चाहिए। मीना भी चाहती थी कि रविन को एक लड़का ही मिले। इस तरह कुछ महीनों के बाद शांति अस्पताल में एडमिट हुई। रविन बहुत चाहता था कि उसको एक लड़का हो, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि उनकी बेटी हुई है। और ये सुन के रविन का मुंह उतर गया। फिर अस्पताल से घर तो चला आया, लेकिन बेटी होने के वजह से कोई भी खुश नहीं था। एक दिन मीना रविन को बोली, रविन, मेरे घर में कोई लड़की पैदा हो ये मुझे पसंद नहीं है, ये तुझे पता है ना, इसलिए मेरे घर में लड़की नहीं रहनी चाहिए। हाँ माँ, मुझे भी बेटी पसंद नहीं। मैं शांति से बात करके देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। हाँ, शांति से बात करके उस बच्ची को कहीं पर छोड़ कर आ। शांति, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ रविन, बोलो ना, क्या बात है? देखो शांति, मुझे और माँ दोनों को ही घर में बेटी पैदा हो ये पसंद नहीं, लेकिन बेटी ही हो गई, इसलिए इस बच्चे को मैं किसी दूसरे जगह में छोड़ कर आऊँगा। क्या, अपनी बेटी को तुम दूसरे जगह में छोड़ के आओगे? हाँ, छोड़ कर आऊँगा। लेकिन क्यों? इस बिचारी का क्या गुनाह है? उसका गुनाह है कि लड़की होकर जन्म ली है। नहीं रविन, तुम ऐसा मत करो, तुम इस बच्चे के पिता हो। और ऐसे ही एक दिन रविन अपनी बेटी को अपने ही घर से सबसे छुपाकर जिस मंदिर में रविन और शांति ने शादी किए थे उसी मंदिर के आंगन पर छोड़कर चला गया। उसी समय किन्नर की एक दल मंदिर के पास से गुजर रही थी। तभी कनक नाम की एक किन्नर उस बच्ची को देखकर बोला, देख देख वो बच्ची कैसे रो रहा है, लगता है किसी माँ बाप ने इस बच्ची को छोड़ के गया। हाँ हाँ कनक, तुम ठीक ही कह रही हो, आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ,
इस बच्ची को उठा लेती हूँ और हमारी साथ ले जाकर इससे धंधा करवाऊंगा। खबरदार, अगर कोई मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। क्या, तेरी बेटी? कब से हुआ? हाँ, मेरी बेटी, और आज से ही हुआ। इसे घर में ले जाकर मैं पढ़ाऊंगा और बड़ा करूंगा। ये बोलकर कनक उस बच्ची को घर में ले आई और नाम रखी रुमकी। इस तरह रुमकी बड़ी हो गई। रुमकी को स्कूल में भर्ती होनी थी, इसलिए वो अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ, मुझे स्कूल में भर्ती होना है और बहुत पढ़ाई करनी है। हाँ बेटी, कुछ दिन में ही मैं तुझे स्कूल में भर्ती करवा दूंगी। क्या, तू उसे स्कूल में भर्ती करवाएगी? हाँ, करवाऊंगी। क्यों, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरी बात मान ले और इसे अभी से धंधे पर लगा दे। तू चुप कर हरामजादी, निकल जा यहाँ से। क्या, तू इस नजायज बच्चे के लिए मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रही है? हाँ बोल रही हूँ, और कान खोल कर सुन ले। रुमकी नाजायज बच्ची नहीं है, मैं इसकी माँ हूँ, समझ गई? फिर कनक रुमकी को स्कूल में भर्ती करवा देती है। रुमकी भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। ऐसे ही रुमकी बड़ी हो गई और कॉलेज में भर्ती होने के लिए अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अब कॉलेज में भर्ती होना है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत है। लेकिन बेटी, उतना पैसा मुझे कहाँ से मिलेगा? लेकिन माँ, मुझे कॉलेज में पढ़ना है और एक बड़ा डॉक्टर बनना है। मैं भी चाहती हूँ कि तू पढ़ाई करके एक बड़ा डॉक्टर बने। ठीक है माँ, फिर मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपने कॉलेज की खर्च उठा लूँगी। तू भी तो छोटी है, तो फिर किसी और को पढ़ाएगी? हाँ माँ, मैं पढ़ा लूँगी। ऐसे ही रुमकी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और खुद भी कॉलेज में पढ़ती थी। इस तरह रुमकी बहुत मेहनत करके कॉलेज की पढ़ाई खत्म किया। एक दिन रुमकी को ये पता चल गया कि कनक ने उसे मंदिर से उठा कर ले आई थी। फिर रुमकी अपनी माँ से जाकर पूछती है, माँ, ये सच है क्या? तुम मुझे एक मंदिर से उठा कर लाई थी? ये सुनकर कनक रो पड़ी और बोली, हाँ बेटी, लड़की होने के वजह से तुझे कोई मंदिर में छोड़ कर चला गया था और मैं तुझे वहाँ से उठा कर ले आई। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? तू ये सब सुनेगी तो शायद तुम मुझे छोड़ कर चली जाएगी, इस डर से मैंने कभी तुझे बताई नहीं। तुमने ये कैसे सोचा माँ कि मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाऊंगी? लड़की होने की वजह से उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था ना, अब मैं उन लोगों को बताऊंगी कि एक लड़की क्या कर सकती है। और ऐसे ही रुमकी ज्यादा मेहनत करके डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म की और डॉक्टर बनने का एग्जाम देकर डॉक्टर भी बन गई। फिर वो अपनी माँ को बोली, माँ, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। ये तो बड़ी अच्छी खबर है बेटी। हाँ माँ, और मैंने सोचा है गरीब लोगों की बिना पैसों का इलाज करूँगी। वो लोग कौन थे क्या पता, जो तुझ जैसी अच्छी लड़की को छोड़ कर चले गए थे? छोड़ो ना वो सब बातें, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, तुम ही मेरी माँ और तुम ही मेरी पिता हो। ऐसे ही रुमकी गरीब लोगों की मुफ्त में इलाज करती थी। एक दिन रुमकी को ऐसा करते देख समीर नाम का एक लड़का बहुत इम्प्रेस हो गया और वो रुमकी को जाकर बोला, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुमकी है, और आपका? मेरा नाम समीर है, और आप बुरा नहीं मानोगे तो एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ बोल सकते हो, क्या कहना चाहते हो? रुमकी, मैं आपको देखकर पहले ही नजर में प्यार कर बैठा हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रुमकी कुछ देर सोचने के बाद बोली, हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन हमारी शादी के बाद भी मैं डॉक्टरी करूँगी और बिना पैसों का ही गरीबों का इलाज करूँगी। समीर बहुत ही अच्छा लड़का था। रुमकी को
मुफ्त में गरीब लोगों की इलाज करते हुए देखकर ही पसंद किया था और इसलिए समीर खुशी खुशी बोला, हाँ रुमकी, मुझे मंजूर है और इसमें तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर रुमकी और समीर एक दूसरे से शादी कर लेती है, फिर खुशी से अपना घर बसाने लगी और रुमकी बहुत मन लगाकर डॉक्टरी भी करने लगी। नागपुर शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था, जहां आरती नाम की एक औरत उसके पति उज्जवल और बेटा विकी के साथ रहती थी। आरती को सजना सवरना और मेकअप करना बहुत सादा पसंद था। सुबह से लेकर रात तक हर वक्त कारण अकारण आरती मेकअप करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह, माँ मैं कब से खाने के लिए बैठा हूँ, कब मुझे खाना परोसोगी, मुझे देर हो रही है। हाँ बेटा अभी जाती हूँ, थोड़ा रुक, सिर्फ एक क्रीम लगाना बाकी है, बस हो जाएगा। हाँ हाँ कर लो, दिन भर यही तो काम है तुम्हारा, सुबह से लेकर रात तक अपना बस चेहरा चमकाती रहो, लगता है कोई फिल्म की हीरोइन हो। सच बोलूं तो कोई हीरोइन भी दिन भर ऐसी नहीं सजती होगी। तुम चुप रहो जी, मुझ पर कुछ ना बोलो तो अच्छा होगा, तुम्हारी बकबक सुनकर अगर मेरी मेकअप खराब हो गई तो फिर से करना पड़ेगा। जितना वक्त अपनी मेकअप पर देती हो, अगर उससे आधा भी वक्त घर पर और हम पर देती तो घर की हालत बेहतर हो जाती। सुबह सुबह मेरे दिमाग को गर्म मत करो वरना अच्छा नहीं होगा, अपना काम पर ध्यान दो। बेटा वेरी सॉरी, मेरे लिए आज तुझे देर हो गई। हाँ माँ देर तो हो रही है, क्या बात है, कहीं जाना है क्या, सुबह में ही इतनी मेकअप कर ली हो। अगर इतनी जल्दी थी तो मेरा खाना पैक कर देती, मैं ऑफिस में जाकर खा लेता। कहाँ जाएगी तेरी माँ, क्या कहीं जाने के लिए मेकअप करती है, जाएगी शायद पड़ोसी के घर में। मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा है ना। नहीं बेटा वो मैं थोड़ा शॉपिंग करने जाऊंगी इसलिए तैयार हो रही थी। हाँ तुम भी ना माँ, शॉपिंग करने जाने के लिए इतना मेकअप कोई करता है क्या। तू जानता नहीं है बेटा, आसपास के लोग तेरी माँ को देखने के लिए बाहर खड़े रहते हैं ना। बेटा अपने पिताजी को कह दो मेरे बारे में कोई बात ना बोले तो अच्छा होगा, अपना खाना खत्म करके काम पर चले जाए। ऐसे ही हर रोज झगड़ते हुए उन तीनों के दिन गुजरते थे, फिर भी आरती खुद को कभी सुधारने की कोशिश नहीं किया। वो सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन मेकअप करना छोड़ नहीं सकती। एक दिन बाजार में एक पड़ोसी के साथ मुलाकात हो गई तो वो औरत आरती को इतनी मेकअप करके बाजार आते हुए देख उसके पास जाकर कहती है, अरे आरती इतनी सुबह तुम कैसे मेकअप करती हो, हमें तो वक्त ही नहीं मिलता। देखो दीदी मैं तो एक बात मानती हूँ कि पहले दर्शन धारी, घर का काम तो चलता ही रहता है लेकिन कहीं जाना होता है तो मैं पहले मेकअप कर लेती हूँ, फिर समय बचा तो घर का बाकी काम करती हूँ। और मैं हूँ ही इतनी सुंदर कि मुझ पर मेकअप बहुत जचता है, अब खुद को ही देख लो, लगता है जैसे नींद से उठकर ही चली आई हो। असल में हम लोग तो खुद से ज्यादा घर का और घर में रहने वाले लोगों का ध्यान रखते हैं, इसलिए ऐसे ही बाजार में आ जाते हैं। छोड़ो वो तुम नहीं समझोगी, तुम खुद को ही सजाते रहो। आरती को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, उसे लगता था मेकअप करके वो दुनिया के सबसे खूबसूरत औरत बन जाती है। इसी सोच के वजह से वो आस पड़ोस के औरतों को नीचा दिखाने की कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, फिर एक दिन विकी आकर अपने माता पिता से कहता है, माँ पिताजी मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोल। मैं बहुत दिनों से एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम झूमर है, अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लड़की बहुत अच्छी है। ठीक है बेटा हम उनके घर वालों से बात करने जाएंगे। शादी तय हो जाती है,
शादी में भी आरती अपनी बहू से ज्यादा खुद मेकअप करती है। अरे आरती, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि रिसेप्शन तुम्हारी बहू की नहीं, तुम्हारी हो रही है। अगर ऐसा लग रहा है तो इसमें मैं क्या करूं? मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। शादी के बाद कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं, लेकिन शादी में झुमुर अपनी मायके से जो मेकअप का सामान अपने साथ लेकर आई थी, उनमें से कुछ सामान आरती को पसंद आती है। तो एक दिन सुबह जब झुमुर नहाने गई, तब आरती उसके कमरे में आकर वो सब मेकअप का सामान इस्तेमाल करने लगी। झुमुर बाहर आकर आरती को ऐसा करते हुए देख गुस्से में कहा, अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही है? आपने मेरा ये सब मेकअप का सामान क्यों निकाला? क्यों, क्या हुआ? तेरी इस पैलेट का कुछ सेट मेरी इस साड़ी से मैच कर रहा था, तो मैंने लगा लिया। उस दिन तो झुमुर और ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन ऐसी घटना लगभग हर रोज घटने लगी। झुमुर की मेकअप इस्तेमाल कर करके आरती उसकी मेकअप खत्म करने लगी। माँ जी देखिए, आपने तो मेरी लिपस्टिक, आई शेडो सब कुछ खत्म कर दिया है। आज हमें एक इनविटेशन पर जाना है, तो अब मैं कैसे मेकअप करूँगी? देखो तो, अरे देखो, पूरा खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा है अभी, उससे तुम्हारी मेकअप हो जाएगी। नहीं माँ जी, इसी तरह हर रोज आप बिना जरूरत मेरी मेकअप को इस्तेमाल करती हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी मेकअप हर रोज इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। आप जो वक्त बेवक्त मेकअप का इस्तेमाल करती है ना, इसे बंद कीजिए, नहीं तो देखिएगा आपका स्किन खराब हो जाएगा। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह तुम दोनों घर को सर पर चढ़ा के क्यों रखी हो? विकी, तुम नहीं जानते हो, माँ जी बेफिजूल ये सब मेकअप इस्तेमाल करती है, घर में बैठे हुए भी मेकअप करके रहती है। वो खुद का तो करती ही है, मेरा सामान भी ले लेती है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। उससे भी बड़ी बात, स्किन के लिए ये सब मेकअप हानिकारक होती है, लेकिन माँ जी तो कुछ सुनती ही नहीं। अब बस भी करो ना। हाँ बेटा, समझा तेरी बहू को। बहू को नहीं, समझाना तो तुम्हें चाहिए। बहू तो सही ही बोल रही है, हर वक्त मेकअप करना सच में हानिकारक है। और इतने सालों से मेकअप करती आई हो, अभी तक मन नहीं भरा तुम्हारा? इस बच्ची के मेकअप का सामान भी खत्म कर रही हो। इसी तरह हमेशा ही घर में आरती के मेकअप करने के वजह से झगड़ा लगी रहती है, लेकिन फिर भी आरती खुद को नहीं संभाल पाई। फिर एक दिन सुबह उठकर मेकअप करने के लिए जब आरती अपना चेहरा आईने में देखती है, तो चेहरे की हालत देखकर आरती घबरा जाती है। उसने देखा कि उसका पूरा चेहरा काले धब्बे से भर गई है। ये क्या, शायद कोई रैशेज निकली है, ठीक हो जाएगी, अभी तो मेकअप कर लेती हूँ। आरती इस बारे में ज्यादा ना सोचकर फिर से अपनी मेकअप की परत चेहरे पर लगा लेती है, लेकिन मेकअप करने के कुछ देर बाद से ही आरती के चेहरे पर जलन शुरू हो गई। अरे बहू, मेरे चेहरे पर बहुत जलन हो रही है, क्या करूं? जल्दी मुंह धो लीजिए माँ जी। मुंह धोने के बाद दोनों ने देखा आरती के चेहरे की त्वचा जल गई है। ये क्या हो गया? चलिए माँ जी, मैं आपको स्किन के डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। फिर झुमुर आरती को एक नामी स्किन के डॉक्टर के पास लेकर गई। कुछ देर देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, ज्यादा मेकअप करने से इनका स्किन एकदम जल गया है। एक्चुअली मेकअप में बहुत ज्यादा केमिकल होने से ऐसा होता है, इसलिए मेकअप हैवी ओकेजन के अलावा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। लेकिन आपने हद से बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल कर लिया है, जिस कारण आपका स्किन परमानेंटली डैमेज हो चुका है। अब फिर से कभी भी आप मेकअप लगाने गई तो आपके स्किन में फिर से जलन शुरू हो जाएगी। क्या, मैं फिर से कभी मेकअप नहीं कर पाऊंगी? नहीं, कभी भी नहीं। और मैं दवाई दे रहा हूँ, एक लंबे ट्रीटमेंट के बाद आपके स्किन में थोड़ा सा सुधार आएगा, लेकिन आपका स्किन कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। देखा माँ जी,
इसलिए तो मैं गुस्सा करती थी। हाँ बहू, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब ये सब बातें बोलकर कुछ फायदा नहीं है। कुछ दिन बाद आरती जब बाजार गई, तब वो पड़ोसी उसे ऐसे देखकर कहा, अरे आरती, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? और आज बिना मेकअप के बाहर क्यों निकली हो? तुम तो एकदम भद्दी लग रही हो। तब आरती कुछ भी बोल नहीं पाई और सर नीचा करके चली गई। अब उसकी घमंड एकदम टूट गई। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका असर उल्टा होता है।